देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में मंडलों स्तर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई और साथ ही एलईडी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान सम्मान में संबोधन को मंडल की जनता को सुनने के लिए हर मंडल में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में नंद नगरी मंडल अध्यक्ष शेर बहादुर के नेतृत्व में नंद नगरी मंडल कार्यालय में मंडल के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने नमन किया। मंडल अध्यक्ष शेर बहादुर ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों का अनुसरण हमें करना चाहिए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं, इतना अच्छा और किसानों के हित में यह बिल है। आज किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में अपने मन मुताबिक दामों पर बेच सकता है, किंतु विपक्ष और कुछ दूसरी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रही हैं, बॉर्डरों को जाम कर रखा है, जिससे लोगों को अनेकों परेशानियां हो रही हैं और यह बिल्कुल गलत है। और आज किसान जान चुका है कि यह पार्टियां किस तरह की ओछी राजनीति कर रही हैं। आज माननीय मोदी जी ने जो 9 करोड़ किसानों के खाते में जो पैसा डाला है, उससे इन गद्दारों के मुंह पर यह जोरदार तमाचा है। पूजने योग्य हमारे आदर्श श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है। उनकी जो योजनाएं थी, उनका जो आशीर्वाद था इस भारतवर्ष पे, मेरा निवेदन है कि हमें उन पे चलना चाहिए। जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, जो हमें देश के प्रति उन्होंने हमें जागृत किया, मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं कि उनके पद चिन्हों पर चलें, जो आशीर्वाद उन्होंने हमें देश के लिए दिया उन पे चलें। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये भाजपा नंद नगरी मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना। मंडल महामंत्री सरोज बाला ने बताया कि जिस भाजपा को किसान विरोधी बताते हैं, उसी भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 करोड़ परिवारों के खाते में किसान सम्मान राशि भेजकर यह सिद्ध कर दिया कि भाजपा से बढ़कर किसान हित में कोई पार्टी नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और हमने सबने मिलकर यहाँ पर उनको पुष्पांजलि दी और फूल अर्पित किए हैं। जो उन्होंने अपने टाइम में हमारे देश के लिए जो कार्य किए थे, वो आज याद आते हैं कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लिए क्या क्या करके चले गए, इस देश को एक राह दिखाकर चले गए, जिसमें कि लोगों को याद रहता है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें बहुत कुछ सिखाया, जो आज हमारे काम आ रहा है। हम सभी देशवासी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो नहीं है, लेकिन हमारे देश के रग रग में, हमारे देश के गली गली कूचे कूचे में, हर जगह पर उनकी यादें बनी हुई हैं और उनको याद करके ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो भारत रत्न भी उनको मिला हुआ था, पहले उनको सत कोटि कोटि उनका नमन है मेरा। और मेरा कहना बस यही है, छोटा सा संदेश, कि जो मोदी जी ने आज उनके जन्मदिन पे इतना अच्छा जो गिफ्ट दिया है, उसकी बराबर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आंदोलन जो छड़ा हुआ है, ये तो सिर्फ एक नौटंकी है विरोधी पार्टियों की। ये तो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी कुछ कर नहीं सकती, बीजेपी किसानों के खिलाफ है, जबकि सच ये ही है कि किसानों के साथ है बीजेपी। और आज ये साबित भी कर दिया मोदी जी ने, जो 9 करोड़ किसानों के किसान खातों में 18,000 करोड़ मोदी जी ने दिए हैं। जिस तरह से देश के कोने कोने में मंडल स्तर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भाजपा ने नमन किया है, उससे साफ जाहिर है कि भाजपा पार्टी देश के महापुरुष एवं पार्टी दिवंगत नेताओं को हमेशा याद रखती है और उनके आदर्शों का पालन करती है। दिनेश सोलंकी, तेज निगाह, दिल्ली।